गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव। कल बच्चों आपने पांच रूल्स आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आपने पढ़े हुए थे। आज उसके आगे छठवें रूल से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और ये छठवां रूल जो आपका है वो ये है, कभी भी अगर आपको एनी ऑफ लेना हो, कभी भी अगर ईच ऑफ लेना हो, कभी भी अगर एवरी वन ऑफ लेना हो, कभी भी अगर आपको वन ऑफ लेना हो, इनमें से कोई भी ऐसा एक वो हो, प्रोनाउन हो आपका, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, या कोई भी ऐसा जो आपको लगता है कि वो सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, जिनमें दो अगर आप चाहे तो और जोड़ सकते हैं अगर आपको याद हो। ईदर ऑफ लेना हो या नीदर ऑफ लेना, यानी एनी ऑफ हो, ईच ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, वन ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, आप इसे आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ भी पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी शब्द आपके पास हो, आप इनके बाद हमेशा, ख्याल है बच्चों, हमेशा प्लूरल नाउन, ख्याल है हमेशा प्लूरल नाउन लें। लेकिन प्लूरल नाउन लेने के बावजूद आपकी जो वर्ब होगी वो हमेशा एसवी होगी, यानी सिंगुलर वर्ब आपको यूज। फिर से देख लें, एनी ऑफ हो, ईच ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, वन ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, इनके बाद आप हमेशा प्लूरल नाउन लेंगे, हमेशा प्लूरल नाउन लेंगे, लेकिन जो वर्ब होगी आपकी वो सिंगुलर हो जाएगी। एनी ऑफ यानी कोई भी एक, ईच ऑफ यानी प्रत्येक, एवरी वन ऑफ यानी हर एक, वन ऑफ एक, ईदर ऑफ दो में से एक, नीदर ऑफ दोनों में से कोई नहीं। अगर आपके मन में आ रहा हो सर एनी ऑफ मीन्स भी एक, ईच ऑफ मीन्स भी प्रत्येक और वन ऑफ मीन्स भी एक, इनका फर्क क्या है, तो आप ये जान लें, एनी ऑफ मीन्स उनमें से कोई भी एक, उनमें से कोई भी एक, ईच ऑफ मीन्स उनमें से हर एक, यानी कोई भी एक नहीं बच्चो, हर एक, सारे एक एक करके, और वन ऑफ मीन्स जिसको कहा जा रहा हो वही, ये फर्क है। तो अगर ये शब्द हैं इनके बाद आपको क्या लेना होगा बच्चों, क्या लेना होगा, प्लूरल नाउन, और वर्ब जो होगी आपकी वो सिंगुलर होगी। बोले अगर कुछ भी इसमें आप नहीं समझ पा रहे, ये इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है जो आपके कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह में आपको दिया जाता है। कुछ भी ऐसा जो आप नहीं समझ पा रहे हो कमेंट्स में बोल सकते हैं आप। अब हम एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, अगर हमारे एग्जाम्स में अगर ये चीजें दी जाती हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मुझे देखिए, अगर एग्जाम में दिया एनी ऑफ द शॉप्स आर नॉट ओपन, यानी उन दुकानों में से एक भी दुकान खुली हुई नहीं है। अब आप कर लेंगे एनी ऑफ, जैसे ही आपने देखा आपके सामने दो स्थितियां होनी चाहिए कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो वर्ब प्लूरल नहीं होगी, वो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। यहां आर के बजाय आपको क्या यूज करना होगा, इस यूज करना। और एग्जांपल देखते हैं, देख ईदर ऑफ द बॉयज हैव कम, उन लड़कों में से ईदर ऑफ, आप चाहे तो एक शब्द जोड़ सकते हैं तो आप जस्टिफाई कर लेंगे, नहीं तो यहां भी आपकी एरर हो सकती है। कुछ लोग कह सकते हैं सर क्या जरूरी दो ही बच्चे हो,
तो हम यहां एक शब्द जोड़ लेते हैं, ईदर ऑफ द टू बॉयज, सही है। तो ईदर ऑफ द टू बॉयज हैव कम, जैसे ही हमने ईदर ऑफ देखा, इसके बाद हमने देखा कि यहां नाउन है, वो नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल तो दिया गया है, तो लेकिन वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, क्या सिंगुलर है यहां पे, नहीं, हैव के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, हैज हो जाएगा, अगर ये पास्ट होता तो हैड भी हो सकता था। तो ये यानी कभी भी अगर आपको ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, अगर ये दिए गए हो, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ देगा, ध्यान रखिए बच्चों एवरी ऑफ नहीं होता, ध्यान रखिए आप एवरी वन ऑफ ले सकते हैं आप। तो अगर ये दिए गए हैं तो आप नाउन को प्लूरल रखें, या प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को प्लूरल रखें, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रखें। एक और एग्जांपल देख लें आप, नीदर ऑफ हिम, चलिए वर्ब ले रहे हैं, आर, ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। तो अगर आप ग्रामर को अच्छे से समझते हो तो आप याद कर लें कि नीदर ऑफ के बाद कभी सिंगुलर आ ही नहीं सकता है, आएगा कभी, कभी नहीं, क्योंकि हम उन दोनों में से एक की बात कर रहे हैं। तो अगर हम उन दोनों में से एक की बात कर रहे हैं तो दोनों के लिए हिम नहीं होगा बच्चों, हिम के स्थान पर क्या होगा, देम होगा, यही ना, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो इट हो, इनका प्लूरल हमेशा देम होता है, आई का प्लूरल वी होता है, और यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन वर्ब के रूप में हमेशा वो प्लूरल होता है। तो अब हमें दो करेक्शन करना है, नीदर ऑफ के बाद हमने देम बना लिया, लेकिन क्या आर होगा यहां पे, नहीं होगा, नीदर ऑफ हमेशा सिंगुलर लेगा, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, इच हो जाएगा। समझ गए होंगे बच्चों आप, देख लें, कहीं भी अगर आपको लगे आप नहीं समझ पा रहे अपनी बात को रखें आप। क्या आप इनमें कहीं कंफ्यूजन आएगा बच्चों आपको, ईच ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ और वन ऑफ, है ना, इनके साथ हमेशा क्या लेंगे, पी सी एन, समझ जाएंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन ले, लेकिन वर्ब आपकी जो होगी वो सिंगुलर वर्ब, देख लें कहीं से भी आपको लगे आप नहीं समझ पा रहे बोले, कुछ भी ऐसा लगे आप, समझ जाएंगे बच्चों। तो ये वो रूल है जो आपको ये बताता है कि अगर आपने इन शब्दों को यूज किया, इनके बाद आपका नाउन जो रहेगा वो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो इनकी वर्ब रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, आपकी सिंगुलर रहेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं, ये रूल देखें जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, और बहुत सारे जो फॉरेन राइटर्स हैं उन्होंने भी अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं, बट हम उनको कॉमन करके यूज करते हैं। ये शब्द आपका है नन, जिस पर हमेशा कंट्रोवर्सी रही, बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे कि वो लोग कहते हैं कि नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि प्लूरल वर्ब लेते हैं, इस तरह एक जो स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाता है कि उसे क्या करना है। तो जो ट्रेडिशनल है पहले उससे अलग होकर हम देखते हैं हम इसका कैसे प्रॉपर यूज कर सकते हैं। बच्चों कभी भी अगर नन ऑफ हो, नन ऑफ, नन ऑफ के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, या आप कह सकते हैं
अनकाउंटेबल नाउन है। अगर नन ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर, क्या होगी वो सिंगुलर। लेकिन अगर नन ऑफ के बाद आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आपकी जो वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब ले लेंगे। और तीसरा विद्यार्थ में अगर आपके साथ नन हो, केवल नहीं, नन के बाद ऑफ न हो, केवल नन हो, आपके पास दोनों रास्ते खुले हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप सिंगुलर वर्ब लेते हैं या फिर आप प्लूरल वर्ब। देख ले, अगर नन ऑफ के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो तो आपको क्या लेना होगा, सिंगुलर वर्ब। अगर नन ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो आपको क्या लेना होगा, प्लूरल वर्ब। और अगर नन हो, नन ऑफ ना हो, नन ही वहां पे सब्जेक्ट हो तो नन के साथ आप सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स को देखें तो हम इन्हें ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपको दिया गया नन ऑफ द इंफॉर्मेशन आर फैक्ट, अब ऐसे वाक्य आपके सामने हो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि नन ऑफ के बाद क्या है बच्चों। तो इंफॉर्मेशन आप जानते होंगे अनकाउंटेबल नाउन में आप लेते हैं, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल सिंगुलर अगर यहां पे रहता तो क्या आर ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते बच्चों, आपको क्या लेना होगा, इस लेना होगा, ये हो जाएगा। अगर यही वाक्य होता नन ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट, क्या ये अभी भी गलत है, नहीं गलत बच्चों। क्यों नहीं गलत हुआ, क्योंकि नन ऑफ के बाद आप देखिए क्या लिया आपने, आपने प्लूरल नाउन लिया है, और अगर आपने प्लूरल नाउन लिया है तो फिर आपकी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, सही है। अब नन को देखते हैं, यह है आपका नन, इसके बाद हमने ऑफ नहीं लिया, हमने सीधे वर्ब ले, हम लिख सकते हैं नन इज, सही, या नन आर मॉर्टल, सही, कोई कंफ्यूजन हो बोले। जब भी नन आपका सब्जेक्ट है तो आप दोनों ले सकते हैं, नन इज भी ले सकते हैं, नन वाज भी ले सकते हैं, नन हैज भी ले सकते हैं। अगर नन को आप प्लूरल मानकर चलें तो नन आर भी ले सकते हैं, नन वर भी ले सकते हैं, नन हैव भी ले सकते हैं, नन डू भी ले सकते हैं, है ना, आपकी इस तरह यूज कर सकते हैं। तो यानी नन ऑफ के बाद अगर सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन है तो हम क्या लेंगे बच्चों, वहां पे सिंगुलर वर्ब। अगर नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जानी चाहिए, लेकिन अगर नन है तो हमको सिंगुलर यूज करना। लेकिन ये मॉडर्न ग्रामर कहता है बच्चों, मीन्स जैसे आप माइकल स्वान को पढ़ेंगे, जेसी नेस्फेल्ड को पढ़ेंगे, फाउलर को पढ़ेंगे, ऐसे राइटर्स कहते हैं। एसएससी में अभी तक जो प्रीफरेंस दी जाती है बच्चों वो ये है, नन ऑफ द बॉयज, दिस इज राइट। ट्रेडिशनल ग्रामर जो है जो आपको फॉलो करना होता है नॉर्मली वो क्या है कि नन ऑफ के बाद भले यहां पे प्लूरल है लेकिन आप इसको प्रेफरेंस दें, इस यानी सिंगुलर को प्रेफरेंस दें। लेकिन ज्यादातर जो राइटर्स हैं वो मानते हैं कि नन को उसके से स्थिति अनुसार, नाउन की स्थिति अनुसार आप सिंगुलर और प्लूरल में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन आप किसके भरोसे चले, आप इसके भरोसे चले, आप जाने सब, लेकिन आप ये जाने कि नन ऑफ जो है वो क्या लेगा, सिंगुलर, नन क्या लेगा, सिंगुलर। ओके, तब आपको याद हो गया होगा
कहीं भी एनी ऑफ हो, कहीं भी ईच ऑफ हो, कहीं भी ईदर ऑफ हो, कहीं भी नीदर ऑफ हो, कहीं भी एवरी वन ऑफ हो, कहीं भी वन ऑफ हो, तो वहां तो हर हाल में आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी आपकी? सिंगुलर होगी। लेकिन अगर कहीं नन ऑफ हो तो इट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द फंक्शनल मीन्स मॉडर्न ग्रामर, यू विल हैव टू यूज विद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, एंड नन इज विद सिंगुलर ईदर सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करना चाहते हैं तो नन के साथ नाउन या प्रोनाउन तो अभी भी प्लूरल रखें आप, लेकिन जो वर्ब है वो क्या ले लें आप? सिंगुलर। सोच लें बच्चों, मैंने जो कहा आपको समझ में आया, आपने समझा, इसे समझ लिया आपने, इसके पहले का भी जो आपने पढ़ा, एनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ वगैरह, और ये नन या नन ऑफ। ओके, बढ़े आगे। एक और चीज यहां मैं समझा दूं आपको, ये जो एनी है ना, एनी, अगर आप एनी लेते हैं तो एनी प्लूरल भी हो सकता है। चलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, और एनी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो आप जैसा नाउन लीजिएगा उसी के हिसाब से वर्ब ले लीजिएगा। जैसे आपने कहा एनी बॉयस है वो, राइट, करेक्ट, एनी बॉय है सो, करेक्ट, एनी वाटर इज करेक्ट, दिस इज इट। ये चीजें भी जाने, और क्या जान ले यहां पे आप? अगर कभी भी आप ईदर लेते हैं, नीदर लेते हैं, एवरी लेते हैं, ईच लेते हैं, ठीक है, अगर इनके साथ आप ये लेते हैं, इनके साथ हर हाल में आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेना होगा। और आप समझ सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेंगे तो वर्ब भी क्या हो जाएगी आपकी? सिंगुलर हो जाएगी। कोई भी एग्जांपल ले लें, एवरी बॉयज हैव अ, कर लेंगे आप, कोई गलती यहां पे बच्चों? एवरी बॉयज हैव कम, गलती है कोई? दो गलतियां हैं। एवरी के साथ कभी भी आप क्या नहीं ले सकते हैं? प्लूरल इस सेंस में नहीं ले सकते हैं। तो अगर ये प्लूरल नहीं होगा ना तो फिर ये भी प्लूरल नहीं होगा, यानी ये भी गलत है और ये भी, यहां पे बॉय होगा और यहां हैज। एक और देखें, Neither girls have come. समझ गए होंगे बाप? जैसे आपने neither केवल देखा है, neither of नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा। जैसे neither आपने देखा तुरंत समझ जाए ये girls नहीं होगा, क्या होगा? Girl। और ये have नहीं होगा, क्या होगा? Has हो जाए, समझ जाएंगे? तो अगर हम either of लेते हैं तो plural noun singular verb, neither of लेते हैं तो plural noun singular verb, वन ऑफ लेते हैं तो प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, एवरी वन ऑफ लेते हैं तो प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ये सब होता है। लेकिन अगर इसी एवरी के बाद, ईच के बाद, ईदर के बाद, नीदर के बाद, वन के बाद अगर हम नाउन लेंगे तो वो नाउन हमारा सिंगुलर भी हो जाएगा और हमारी वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज अच्छी दिखाते हैं आप, चलिए आप में से कितने बच्चे होंगे आजमाइएगा जो बताएंगे यहां पर क्या गलती है,
each 10 boys have pump. सोचे बच्चों और बताएं क्या गलती है यहां पे, देखें. समझ में आ रहा है बच्चों? मुझे और भी सभी काम करना रहता है. अभी 6 बजे से बैच है तो सारी वीडियोस वगैरह उसकी अपलोड करना, सब कुछ करना, ये सभी इसी दौरान मुझे देखना है सामने. चलिए बच्चों देखें, जो बच्चे आप में अच्छे होंगे उन बच्चों को याद होगा कि ईच के साथ कभी भी आप कोई न्यूमरल प्लूरल नहीं ले सकते. ये गलत है, 10 नहीं आ सकता है. और अगर 10 नहीं आ सकता है तो बॉयज कैसे है? लेकिन आप यहां गलत ना करें बच्चों, ये 10 बॉयज तो सही यहां पे है. आपको करना क्या चाहिए, बस इस ईच को किसमें बदल देना चाहिए? हिंदी में आप कहते हैं ना, हर 10 लड़के जो थे वो ईमानदार. अब आप ईच 10 बॉयज कभी नहीं कहेगा, लेकिन आप एवरी 10 बॉयज कहेगा. एवरी 10 बॉयज कहिएगा, और जब एवरी 10 बॉयज होगा तो वर्ब भी आपकी क्या रहेगी, प्लूरल. ठीक है, ये चीजें टीचर्स बहुत कम बताते हैं. टीचर्स हम लोग को क्या पढ़ाते हैं कि ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आते हैं. बट वो एक पॉइंट ये छिपा जाते हैं या नहीं बताते हैं क्या, कि अगर आप एवरी लेते हैं तो एवरी के साथ प्लूरल न्यूमरल आप यूज कर सकते हैं. एवरी नाइन स्टूडेंट्स, सही है. अगर ये 9 नहीं होता तो क्या हो सकता था कभी, एवरी स्टूडेंट्स? कभी नहीं, तब एवरी स्टूडेंट होता. लेकिन अगर यहां पे आपने 9 जोड़ा है तो ये सही हो जाएगा. और सबसे बड़ी चीज, एवरी 9 स्टूडेंट्स के साथ आपकी वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी. समझ रहे हैं बच्चों? ये स्ट्रक्चर अगर आपको दिक्कत होगी स्क्रीन शॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये चीजें आपके काम आएंगी. देखिए बच्चों कि क्या आपने समझा इनको वास्तव में. देख लें स्पेशली नन वाला जो वाक्य है बच्चों, उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि नन ऑफ वाले में आप किस चीज को प्रेफरेंस देंगे, आप ये आपको ध्यान में रखना होगा. आया समझ बच्चों? ये ईच ऑफ आपने लिया ना, तो द मैन कैसे होगा बच्चों, मैन हो जाएगा.
और ये हैज तो सही है, कोई एरर नहीं आपको। एवरी ऑफ आपने लिया ना, तो जैसे ही एवरी ऑफ आपने लिया तुरंत समझ जाए या तो यहां पर आप ईच ऑफ करिए या एवरी वन ऑफ करिए। और इस तो यहां पे सही है, प्लूरल नाउन भी सही है आपका। एनी ऑफ आपका आया, जैसे एनी ऑफ आया तो एनी ऑफ के बाद जब भी आएगा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। वर्ब तो अभी भी आपकी सिंगुलर है आपके। नन ऑफ आया, अब अगर आप एक ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करना चाहते हैं तो नन ऑफ द बॉय तो कभी नहीं हो, नन ऑफ द बॉयज होगा। और अगर नन ऑफ द बॉयज होगा तो आप ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करेंगे तो यहां हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, ये दो रूल्स हैं जो आपने समझा। और एक चीज और आपने इसमें समझा होगा, ये चौथा नंबर था शायद, चलिए प्रश्न बोले बच्चे, सोचे सही है या गलत है, और अगर गलत है तो सही क्या होगा। चलिए बच्चा, अब वो अपलोड होने लगा और मैं भी अब कॉन्स्टेंट होकर पढ़ा सकता हूं। तो क्या जैसे आपने ईच के साथ फाइव देखा आपने, तो क्या यहां फाइव हो, अगर फाइव होगा तो यहां ईच हो सकता है, नहीं। ईच के स्थान पे क्या लेना होगा आपको, क्या लेना होगा बच्चों, एवरी, क्योंकि जब न्यूमरल दे दिएगा प्लूरल तो फिर यहां पर ईच नहीं एवरी हो जाएगा। और वर्ब जो है आपकी वो देख लें, ये प्लूरल ही रहेगी, क्योंकि जब एवरी फाइव टीचर्स हो जाएंगे तो वर्ब प्लूरल रहेगा। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट रूल हमारा है जो आप जानते होंगे शायद, कभी भी अगर आपको द नंबर दिया जाए या द वैरायटी दिया जाए और यहां ऑफ लगा दिया जाए, द नंबर ऑफ या द वैरायटी ऑफ, इनके साथ हमेशा क्या लीजिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या लेंगे इनके साथ हमेशा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन इनके साथ जो वर्ब होगी वो क्या रहेगी, हमेशा सिंगुलर रहेगी। अगर एक और शब्द आप चाहे तो हम जोड़ दें यहां पे, अगर आपको याद हो, द परसेंटेज ऑफ, यानी अगर द नंबर ऑफ हो या द वैरायटी ऑफ हो या द परसेंटेज ऑफ हो तो आप इनके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब लीजिएगा। कैसे देखें, समझ लें, देख लें, द नंबर ऑफ में सब्जेक्ट हमारा नंबर सिंगुलर है इसलिए यहां पे आपका ये सिंगुलर होगा, द वैरायटी ऑफ में वैरायटी आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, और द परसेंटेज में ऑफ में परसेंटेज सिंगुलर है इसलिए वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। ये वाक्य देखें बच्चों और बताएं इसमें क्या गलती है।
कर लेंगे। जैसे आपने द परसेंटेज ऑफ देखा तो आपने द स्टूडेंट्स प्लूरल ले लिया आपने, लेकिन आपने ये जो आर लिया है ये क्या है आपका, है ना, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, इस कर लेंगे। ये सारे रूल्स एग्जांपल्स मैंने अपने पीडीएफ में भी दिया हुआ है, वहां और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जरूर तैयार करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बाद में आपको पता चलेगा सबसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन तब पता न चले जब देर हो चुकी हो, इसलिए अभी से मन में बैठा लें कि हमको तीन पोर्शन हमेशा अच्छा से लेके चलना है। कौन से तीन पोर्शन? पहला आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, दूसरा प्रीपोजिशन से संबंधित, और तीसरा नाउन से संबंधित। इनके अलावा कंजंक्शंस पे ज्यादा हार्ड वर्क करें आप, मेहनत करें आप, और एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह संबंधित भी चीजें जाने, और आर्टिकल तैयार कर लें हमेशा ए एंड द का कहां किस तरीके से प्रयोग करना है, जो मैं यहां सब धीरे धीरे पढ़ा दूंगा आपको, तो आप इससे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं अपना। द नंबर ऑफ स्कूल इन आवर विलेज आर एनफ। देख लें कहां गलती है बच्चे, दो जगह गलतियां दिखेंगे आपके, आप देख रहे हैं। जैसे आपने द नंबर ऑफ लिया तो पहली चीज जो मन में आए कि हमारा जो नाउन या प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन तो आएगा नहीं, नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, तो फिर यहां स्कूल नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहां, स्कूल्स हो जाएगा। लेकिन हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो फिर यहां आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इच हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? अगर समझ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें आप, लाइक कमेंट करते रहें, और अपने टीचर को भी एनकरेज करते रहें। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों को बताएं कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास जरूर करें, ये चीजें उनको समझ में आएंगी अच्छे से और इस पर वो काम कर सकते हैं। चलिए अभी जो रूल आपने पढ़ा ना वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चीज आपको ध्यान में रखनी, जो आपने पिछली बार भी पढ़ा था आपने पिछले पार्ट में, अगर अ नंबर ऑफ है या अ वैरायटी ऑफ है या द मेजॉरिटी ऑफ है या अ मेजॉरिटी ऑफ है या अ माइनॉरिटी ऑफ है या द माइनॉरिटी ऑफ है, इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन भी आएगा और प्लूरल वर्ब भी आएगा। यानी प्लूरल नाउन तो उनके साथ भी आ रहा था ना, द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ और द परसेंटेज ऑफ, तो इनके साथ भी बच्चों क्या आएगा, प्लूरल नाउन ही आएगा, लेकिन आपकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल ही रहेगी, जबकि वहां पर द नंबर वगैरह के साथ आपकी वर्ब क्या हो जा रही थी, सिंगुलर। एक और चीज इसमें देख लें आप, यहां कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हमने दिया था पिछले पार्ट में आपको अ नंबर ऑफ बॉयज आर बॉय, ठीक है, अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस आर हियर, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी या आर इन फेवर ऑफ दिस रूल, A majority of the girls are in favor of this rule. A minority of boys are against of it. The minority of students are against of it. यानी इनके साथ आपको noun भी plural रखना है और उनकी verb भी plural रखनी है। चलिए बच्चों अब अगर ऐसे ही आपको कोई वाक्य दिया जाए आप कर लेंगे, देखें
देख लें बच्चों और बताएं क्या गलत है इसमें। क्या गलत लग रहा है आपको, कहां पे समझ रहे हैं? जैसे ही आपने द नंबर ऑफ देखा तो दो चीज दिमाग में तुरंत आ जाएगा। कौन सी दो दी? दो चीज कि हमें प्लूरल लेना है तो प्लूरल है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए सकते हैं आप द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन दीज कॉलेजेस, सही, इन दीज कॉलेजेस, इन कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स की संख्या है आर। ये आर किसके लिए है बच्चों? इस नंबर के। प्रीपोजिशन से पहले आपको सब्जेक्ट लेना होता है नॉर्मली, तो अगर यहां नंबर सब्जेक्ट है और द नंबर तो निश्चित हो गया, जब निश्चित हो गया तो फिर यहां आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। कर लेंगे। चलो ये वाक्य भी करके दिखा दें आप। फिर द वैरायटी ऑफ द आइटम इन दिस प्लेट आर वेरी लार्ज। करिए बच्चो, देखें क्या गलत। समझ गए हैं? देखिए, जैसे ही आपने द वैरायटी लिया तो द वैरायटी के साथ ऑफ है, सही है। द आइटम, द वैरायटी ऑफ के बाद कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल आएगा। अगर प्लूरल आएगा तो यहां क्या होना चाहिए था? आइटम्स इन दिस प्लेट, ये तो सही है, इन दिस प्लेट आर। अगर द वैरायटी ऑफ है तो आपकी जो वर्ब होगी बच्चों वो क्या होगी? सिंगुलर होगी, तो फिर यहां आर नहीं, क्या हो जाएगा? इच। समझ गए होंगे। चलिए ये रूल भी देखें। कभी भी अगर आपको इन लेना है, एट लेना है, फ्रॉम लेना है, विद लेना है, बिसाइड्स लेना है, बिटवीन लेना है, यानी प्रीपोजिशंस है ना, ऑन भी ले सकते हैं। ये प्रीपोजिशंस अगर हैं और इनके पहले आपके पास कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है, तो इधर जो आपकी वर्ब आएगी वो पहले तो ये समझ लें, इन प्रीपोजिशन से बात भी कोई क्या रहेंगे आपके? नाउन होंगे। लेकिन हमारी जो वर्ब होगी इसके बाद, जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा किसके अनुसार होगी बच्चों? इसके अनुसार। 99.99% केसेस में इसी के अनुसार आपको चलना है, यानी किसी भी प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन होता है, फिर से, किसी भी प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन होता है नॉर्मली वही वाक्य की वर्ब का निर्धारण करता है, यानी जो वर्ब का एग्रीमेंट होता है वो इस नाउन के साथ नहीं होता है बच्चों, वो एग्रीमेंट किसके साथ होगा? इसके साथ होगा। और अगर इसके साथ होगा तो ये तय करेगा कि वो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। ठीक है, देख ले, कोई कंफ्यूजन हो बोले। कोई भी प्रीपोजिशन हो, इस प्रीपोजिशन के इधर भी नाउन है और इस प्रीपोजिशन के इधर भी दूसरा नाउन है, तो आपकी जो वर्ब गवर्न होगी वो इसके द्वारा गवर्न होगी, न कि इसके द्वारा। जैसे
जैसे आपसे कहा गया द पीपल इन दिस विलेज डैश वेरी पुअर। और आपके सामने बच्चों दो वर्ब से हाँ रख दी गई, एक में रख दिया गया इस और एक में रख दिया आ, क्या चुनना चाहेंगे? विलेज यहां पे है तो इस लेना चाहेंगे या आर लेना चाहेंगे, क्या लेना चाहेंगे? सोच के बताएं, इस या आर, जो मॉडरेट बच्चे हो वो ज्यादा मेहनत करें बच्चों। कैसे? आप देख रहे होंगे यहां पे इन है, ठीक है, इन, इनके बाद आपके पास क्या है, एक नाउन फ्रेज दिस विलेज है, और इनसे पहले भी आपके पास एक नाउन फ्रेज है, क्या, द पीपल है। तो आपको बस ये सोचना है कि आपको किसके अनुसार चलना है, द पीपल के अनुसार या दिस विलेज के अनुसार। किसके अनुसार चलना है? द पीपल के अनुसार। अब अगर आप द पीपल के अनुसार चलेंगे तो आप जानते हैं आप इज नहीं ले सकते, आपको क्या लेना होगा बच्चों, आर लेना होगा, यही ना। तो किसी भी प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन प्रोनाउन है वही वाक्य के वर्ब का निर्धारण करता है। और एक चीज देखना, ये द कंडीशन ऑफ द कोरोना affected patients are miserable। बताइए बच्चों क्या गलत है, देखें अच्छे से। The condition of the corona affected patients, corona affected patients are miserable। यहां patients है तो क्या यहां are होगा, सोच के देखें आप बताएं। सोचे बच्चों, सोचने से ही बुद्धि का द्वार जो है वो खुलता रहता है। सोचा बच्चों आपने कि आफ यहां प्रीपोजिशन है ना, आफ, और इस आफ के पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, द कंडीशन। हम तुरंत दिमाग में आ जाए कि इसकी जो वर्ब आगे मिलेगी, जहां भी मिलेगी इसकी वर्ब, जहां मिलेगी वो वर्ब हर हाल में क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो देखिए क्या मिल रही, द कंडीशन ऑफ द कोरोना अफेक्टेड पेशेंट्स आर। अब ये आर अगर पेशेंट्स से गवर्न होता तो सही था, लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते हैं, आप नियम के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। तो नियम है कि आप प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट को लेंगे, तो फिर अगर कंडीशन के अनुसार आप आर लेंगे तो क्या सही होगा बच्चों, गलत होगा, क्या हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप। अब अगर ऐसे एग्जाम्पल आपको दिया जाए, द हीरो बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर आर वेरी। आप इतने बड़े बड़े वाक्य बच्चों आप कर सकते हैं, जो मॉडरेट बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, बस आपको ये पता हो कि बिटवीन यहां क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है ये, प्रीपोजिशन। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके पहले क्या है आपका सब्जेक्ट, हीरो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि इसके बाद क्या है, आपको ये फर्क पड़ता है कि प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द है वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट,
तो अगर द हीरो सब्जेक्ट है तो वर्ब देखिए इसकी क्या ली गई है, आर। नहीं हो सकता है ना, क्या हो जाएगा यहां पे, इट्स हो जाएगा। और वाक्य देख ले, द बॉय एमंग दिस गर्ल्स इज वेरी हैंडसम। देखिए बच्चों, सही है या गलत बताएं, अब तो आना चाहिए आपको। आपको पता है ना एमंग एक प्रीपोजिशन होता है, के बीच के लिए आप यूज करते हैं, नॉर्मली दो से अधिक के लिए ही आप यूज करते हैं। तो एमंग से पहले सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, और गर्ल्स के बाद क्या लिखा है, इस। तो ये सही है या गलत, गर्ल्स के अनुसार तो गलत है ना, लेकिन रहने दीजिए ना गर्ल्स के अनुसार, गर्ल्स क्या कर लेंगे इसका, कुछ नहीं, क्योंकि इसको चलना किसके अनुसार है, बॉय के अनुसार। तो द बॉय क्या है बच्चों, सिंगुलर, तो फिर ये क्या रहेगा आपका, सिंगुलर, यानी नो एरर, बाकी क्या है आपका, सही है। ठीक है, पीडीएफ में सारे रूल्स और सारे एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे दिए हैं, वहां देखिएगा, वहां और समझ में आएगा। देखें यहां, अगर कभी आपको परसेंट दिया गया, जैसे कोई कहे 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो बच्चों क्या लेना चाहेंगे, इस या आर, बोले लास्ट है विराय, टेन परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, इस या आर, समझते हैं कुछ, द परसेंटेज होता है ना तब आपकी वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन परसेंट का रूट क्या कहता है कि अगर परसेंट से पहले आपको कोई प्लूरल न्यूमरल दिया गया है, 2, 3, 4, 5, 6, वन नहीं बच्चों, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह, अगर ये दिया गया है 100, 60, 50 इस तरह से अगर है, तो फिर वर्ब आपकी क्या रहेगी, प्लूरल, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो नाउन है वो क्या है आपका, प्लूरल काउन है। यानी अगर ये 10% के बाद द स्टूडेंट्स है तो आपको क्या लेना होगा, आर। लेकिन ये वाक्य देखें आप, ध्यान रखिए बच्चों, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे वैसे अलग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पर अलग लिखते हैं, सेंट अलग लिखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं। तो 50% ऑफ दिस वाटर इज या आर, क्या लेंगे आप, क्या लेंगे बच्चों, समझ रहे होंगे, भले अब यहां 50% है, ये 50% किस चीज का है, वाटर का, तो वाटर तो अनकाउंटेबल में आएगा, तो फिर वर्ब भी क्या हो जाएगी आपकी, सिंगुलर हो जाएगी, यानी यहां क्या हो जाएगा, इज, आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ये हमें किस रूल की तरफ लेके जा रहा है, इस रूल की तरफ, कि अगर आपके पास प्लूरल न्यूमरल हो, मैं समझ रहा हूं, 2, 3, 4, 5 और प्लूरल न्यूमरल हो, प्लस परसेंट ऑफ हो या ऑफ न भी हो तो भी प्लस, अब यहां देखें प्लस के साथ, अगर आपके पास पीसीएन है तो वर्ब क्या होगी आपकी, वर्ब क्या होगी बच्चों, प्लूरल होगी, लेकिन अगर आपके पास यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या होगी आपकी, सिंगुलर। ये रूल है कि अगर प्लूरल न्यूमरल है कोई 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 50, अगर प्लूरल न्यूमरल है और इसके बाद परसेंट ऑफ है, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ,
और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी क्या होगी प्लूरल, लेकिन अगर इनके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी सिंगुलर हो जाएगी, लेकिन ये संभावना मत छोड़िएगा। वन परसेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब आप ही कर लेंगे बच्चों, ट्वेंटी परसेंट ऑफ दीज प्लेयर्स इज रिच, सही है या गलत, सही है या गलत, बोले बच्चों गलत है। ये नाउन क्या है आपका प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल नाउन है तो 20% होने के साथ साथ ये वर्ब भी क्या होगी आपकी प्लूरल हो जाएगी, 20% ऑफ दिस प्लेयर्स आर रिच हो जाएगा। लेकिन इसे मिटा देते हैं और लिखते हैं 20% ऑफ दिस लिक्विड आर प्योर, क्या अभी भी सही है, नहीं। जैसा कि 20% के साथ आपने लिक्विड देखा अनकाउंटेबल, तो फिर यहां आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा बच्चों एच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस समय मेरी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं और अभी मुझे ये एडिट करना होगा, अपलोडिंग करनी होगी, अगर कभी देर हो जाए तो मैं इसे जरूर दूंगा, यानी 7 के आसपास हो जैसे मैं देता हूं तो इसे मैं 7:30 कर सकता हूं, लेकिन पड़ेगा जरूर बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे इस समय देख रहे हो वीडियो मेरी और एक्सरसाइज की, वो बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर 7 में कुछ देर हो जाए तो समझने की कोशिश करेगा, इसी वजह से शायद देर हो रही। ठीक है, कल सुबह 9 और आज शाम को अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा करने के बाद अगर 6-7 हमने एक्सरसाइज किया हो तो पूरा रिवीजन कर लें अब हम, और ताकि कल 9 जब मिलें एडिटोरियल में उसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। थैंक यू।